दोस्तों हाल ही में शनिवार रात बदमाशों ने अतीक अहमद और अशरफ अहमद की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद एक नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है और वो नाम है गुड्डू मुस्लिम। आखिर ये नाम इतना चर्चा में इसलिए है क्योंकि दोस्तों जिस वक्त मीडिया कर्मी अतीक अहमद और अशरफ अहमद से बातचीत कर रहे थे उस वक्त अतीक अहमद के भाई ने एक नाम लिया था और वो ये नाम था गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम का नाम लेने के बाद ही बदमाशों ने अतीक अहमद पर गोलियां चला दी, जिसके तुरंत बाद ही अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद पर भी गोलियां चला दी गई थी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको गुड्डू मुस्लिम के बारे में ही बताने वाले हैं कि आखिर गुड्डू मुस्लिम है कौन। तो बताते हैं आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों प्रयागराज में माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। घटना के वक्त अतीक और अशरफ मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। अशरफ ने एक सवाल के जवाब में गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया। जैसे ही अशरफ ने कहा कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, तभी उसके बगल में खड़े अतीक अहमद को हमलावरों ने सिर से सटाकर गोलियां मार दी थी। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक हमलावरों ने अशरफ को भी गोलियां मार दी थी। दोनों की ही मौके पर मौत हो गई थी। ऐसे में हम आपको आज उस गुड्डू मुस्लिम की कहानी बताएंगे जिसका मरने से ठीक पहले अशरफ ने नाम लिया था। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर गुड्डू मुस्लिम है कौन और अतीक और अशरफ से उसके क्या संबंध है। तो बताते हैं आपको दोस्तों, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े कई किरदार अब तक सामने आ चुके हैं। हत्या में शामिल चार आरोपी पुलिस मुठभेड़ में भी मारे जा चुके हैं। इसमें अतीक अहमद का बेटा असद अहमद भी है। इसके अलावा मुख्य साजिशकर्ता अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। अतीक का एक दूसरा बेटा नैनी जो कि जेल में बंद है, दो नाबालिग बेटे हैं वो बाल सुधार गृह में हैं। वहीं अतीक की पत्नी साइस्ता परवीन अब भी फरार चल रही है। अतीक की बहन नूरी और उसकी दो बेटियां और अशरफ की पत्नी जैनब भी फरार चल रही है। पुलिस को इनकी तलाश है। इन सब के अलावा एक और नाम है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, वह नाम है गुड्डू मुस्लिम। ये वही गुड्डू मुस्लिम है जिसका अशरफ ने मरने से ठीक पहले नाम लिया था। अब आपको गुड्डू मुस्लिम के कारनामे भी बता देते हैं। दरअसल यह वही गुड्डू मुस्लिम है जिसने उमेश पाल की हत्या के दौरान एक के बाद एक कई बम धमाके किए थे। गुड्डू मुस्लिम को बम बाज गुड्डू भी बोलते हैं। असद के एनकाउंटर के बाद गुड्डू को पकड़ने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। अफवाह तो उसके भी एनकाउंटर की थी लेकिन बाद में यूपी पुलिस ने इसे खारिज कर दिया था। दोस्तों गुड्डू मुस्लिम को जानने वाले लोग बताते हैं कि वह शुरू से ही बदमाश था। प्रयागराज में उसका जन्म हुआ था। स्कूली दिनों से ही वह लूट और रंगदारी वसूलने जैसे कांड में शामिल होने लगा। इसी दौरान कई बड़े बदमाशों के संपर्क में आया। बताया जाता है कि वह तब से ही बम बनाने लगा। हर रोज गुंडागर्दी और मारपीट की शिकायतों से परेशान होकर घर वालों ने उसे पढ़ने के लिए लखनऊ भेज दिया। लेकिन यहाँ से गुड्डू मुस्लिम ने बड़े अपराधों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि उसकी यहाँ मुलाकात पूर्वांचल के दो बाहुबली नेताओं अभय सिंह और धनंजय सिंह से हुई। उन दिनों ये भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। दोस्तों बताया जाता है कि गुड्डू मुस्लिम का नाम पहली बार तब चर्चा में आया जब उसने 1997 में लखनऊ के चर्चित लामार्टिनियर स्कूल के गेम टीचर फेडरिक जे गोम्स की हत्या कर दी। इस मामले में गुड्डू गिरफ्तार भी हुआ। गुड्डू के साथ राजा भार्गव और धनंजय सिंह को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था। कहा तो ये भी जाता है कि पुलिस के सामने गुड्डू ने अपना गुनाह भी कबूला था, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट में पुलिस तीनों को दोषी साबित नहीं कर पाई और तीनों ही बरी हो गए थे। इस दौरान गुड्डू ने एक और हत्या का जुर्म कबूला था। तब उसने बताया था कि फैजाबाद के ठेकेदार संतोष सिंह को भी उसी ने मारा है। गुड्डू ने यह भी बताया कि कैसे संतोष को उसने जहर दिया और उसकी लाश रायबरेली में छोड़ दी। इसके बाद उसकी कार, राइफल और पैसे लूट लिए गए थे। इसी हत्या के बाद अभय और धनंजय के बीच दुश्मनी बढ़ी। 26 साल बाद भी वो एक दूसरे के दुश्मन हैं। इस हत्या के बाद गुड्डू धनंजय का और भी ज्यादा करीबी होता गया। लखनऊ में रहते हुए गुड्डू जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम बन गया। उन दिनों लखनऊ में एक और नाम की तूती बोलती थी, वह नाम था बाहुबली विधायक अजीत सिंह। रेलवे मोबाइल टावर लगाने के सभी ठेके अजीत सिंह को ही मिलते थे। धनंजय इन ठेकों को हासिल करना चाहता था और इसके लिए उसने गुड्डू का सहारा लिया। कहा जाता है कि गुड्डू ने विभाग के अधिकारियों का अपहरण करना शुरू कर दिया। उन्हें हत्या की धमकी देकर टेंडर अपने कब्जे में ले लेता था। गुड्डू कोई भी टेंडर पूरा कराने वाला बड़ा नाम बन चुका था। उसके एक इशारे पर सरकारी टेंडर यहां से वहां हो जाते थे। साल 1997 में बसपा सरकार के दौरान राज्य निर्माण निगम के इंजीनियर को 20 सड़क पर गुड्डू ने गोलियों से भून दिया था। इस हत्या में धनंजय सिंह के साथ गुड्डू मुस्लिम भी आरोपी बनाया गया था। इसके बाद गुड्डू मुस्लिम की भी जाने माने गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला से भी पहचान हुई और बाद में उसका नाम विधायक राजू पाल की हत्या में भी सामने आया था। और उसके बाद हाल ही में नाम सामने आया है जिसमें उसने उमेश पाल पर कई बम बरसाए थे और गुड्डू मुस्लिम को बम बरसाते हुए कई सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। इसलिए अब उमेश पाल हत्या
हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम की तलाश जारी है और पुलिस गुड्डू मुस्लिम को तलाश रही है। तो दोस्तों कुछ ये कारनामे थे गुड्डू मुस्लिम के। हमने गुड्डू मुस्लिम के बारे में सारी बातें आपसे साझा की हैं। तो आप क्या सोचते हो अतीक अहमद के खास गुड्डू मुस्लिम के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।